अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड बिजनेस पार्टनर्स होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल और आज की जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्लास फोर और बेसिकली इसका जो है वो <coughs> बड़ी सक्सेसफुली हम इसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं सो ऑल द वुमेन्स और जो हमारे ग्रुप में हैं और जो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हैं खुद का बिजनेस बिल्डअप करने के लिए इट्स एवर ग्रीन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री विच इज वेलनेस इंडस्ट्री एंड डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री सो so, आज की क्लास इंतहाई इम्पोर्टेंट है हम अपनी सीरीज को आगे लेकर बढ़ रहे हैं ताकि हमारे साथ जो फीमेल्स हैं डिफरेंट सिटी से हैं और वो ऑफिस तक नहीं आ सकती और वो घर में बैठ अपनी इस मेगा ऑन्टरप्रनरशिप करियर को आगे लेकर बढ़ना चाहती हैं उनके लिए बहुत फ्लॉलेस चांस है कि वो हमारे साथ इन क्लासेस को लेकर आगे बढ़ें सो so, हम आज की ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज करते हैं सबसे पहले कुरान अल्लाह पाक के कलाम से

फोर्थ क्लास विच इज वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम और आज की जो क्लास है इंतहा इम्पोर्टेंट इस हवाले से भी है कि लास्ट टाइम बेसिकली हम लोगों ने जिक्र किया था नेम लिस्ट के हवाले से तो नेम लिस्ट के ऊपर जो फ्रेंड्स का फार्मूला ये यह इंतहाई इम्पोर्टेंट है मैं बार बार इस चीज को कोट करूंगा कि गिवन टास्क के ऊपर हमारे इस मैसिव कैरियर के अंदर नेम लिस्ट का नाइंटी रोल है आपके चेक्स आपके मिलियंस के चेक्स आपके बिलियंस के चेक्स आपकी फैमिली की ग्रोथ गाड़ियां घर इंटरनेशनल ट्रेवलिंग विच लाइफ स्टाइल यू वॉन्ट एंड ड्रीम ऑफ वो सारा कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है इसीलिए इसकी इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंस है ठीक है जी सो हमने लास्ट टाइम नेम लिस्ट के ऊपर हमारा बात जो है वो कंटिन्यू थी और इसी से हम लोग दोबारा आगाज करेंगे और आपने प्लीज वो लोग जिनके पॉइंट्स फिफ्टी हो चुके हैं वो लोग जिन्होंने टू हंड्रेड पॉइंट पूरे कर लिए हैं और उनका जो पहला स्टेप है वो कोर टीम डेवलप करना है ठीक है जी मैं दोबारा उस स्लाइड को आपके सामने लेके आता हूं और ताकि आप लोगों को पता लग सके बेसिकली कि हमारे जो की स्टेप्स हैं वो हैं क्या क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को हम फॉलो करते जाएंगे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है जी सो पहला स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर जो इस लेवल पे है वो है कि हमने कोर टीम बिल्ड करनी है और मिनिमम दस लोगों की हमने बिल्ड करनी है ठीक है जी इसीलिए हमने जो है वो नेम लिस्ट को बेसिकली बनाना है और नेम लिस्ट को बनाने का जो सबसे अथेंटिक वे है वो ये है कि आप जो है वो रजिस्टर लें ठीक है और उसकी जो राइट साइड एंड है वहां से शुरू कर दें बनाना अब बनाना कैसे है मैं उसकी तरफ आपको लेकर चलता हूं और ताकि आप लोगों को पता लग सके जी कि हमने नेम लिस्ट को बनाना कैसे है ठीक है वेरी सिंपल है ये पांच कॉलम बनेंगे सीरियल नंबर नेम मोबाइल नंबर रिलेशन और सिटी नेम ठीक है जी आप लोग सबसे पहले जितने भी कॉन्टेक्ट आपकी लिस्ट में हैं आप सबसे पहले ये पांच कॉलम बनाकर उनको लिखना शुरू कर दें विदाउट थिंकिंग वो करेंगे या नहीं करेंगे ये आपने अभी नहीं सोचना प्री जज किसी को नहीं करना ठीक है सिर्फ आपके पास जो कॉन्टेक्ट नंबर है आप शुरू हो जाए और उसको लिखना शुरू कर दें ठीक है जी और इसके मामले में अगर आपको किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई की जरूरत है तो वेलनेटार्टअप अकेडमी सर कैसर सर बिलाल अहमद शाह साहब और आपके जो एक्टिव स्पॉन्सर हैं वो हाजिर हैं और आप डायरेक्टली हम हमारे साथ भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मामले को डिस्कस करने के लिए क्योंकि आपके जो मेगा ऑन्टरप्रिनशिप कैरियर का आगाज है वो हो चुका है आपके तीन से पांच साल इंतहाई इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली जो है वो वेट कर रही है कि हमारा बेटा या बेटी कुछ बड़ा करे सो प्लीज आपने इस चीज को रिलाइज करना है इसकी वक्त की इंपॉर्टेंस को रिलाईज करना है सो नेम लिस्ट आप लोगों के सामने है या आपने बना देनी है मैक्सिमम जितने लोगों को आप जानते हैं और इन शाह तला ताकि हम लोग फिर है अगले प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो ठीक है जी सो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो नेम लिस्ट का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था वो है फ्रेंड्स का फार्मूला एफ फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली ठीक है जी आर फॉर रिलेटिव आई फॉर इंस्टीट्यूशनल ई फॉर इम्प्लॉयी एन फॉर नेबर डी फॉर डॉक्टर प्रोफेशन एंड एस फॉर स्ट्रेंजर ठीक है ये इसके अंदर सारे लोग जितने भी आते हैं आप लिखना शुरू कर दें ठीक है So, इसके हवाले से किसी भी किस्म का कोई आपने चीज पूछनी है समझनी है सो वी आर वेलनेस स्टार्टअपीज ट्वेंटी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अवेलेबल है वो हेल्प हर, हर, करने के लिए ताकि आप अपने जो गोल्स टारगेट्स हैं उसको जल्दी से जल्दी उसको मीटअप कर सकें ठीक है, ठीक है? So, इस इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली एक ओल्ड कहावत जो हमने सुनी थी स्टूडेंट स्टडी द रेस वो अब नहीं चलती अब ये है कि फास्ट एंड कंसिस्टेंट विन द रेस ठीक है जो शख्स जल्दी सीख कर अप्लाई करता जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा वो अनबीटेबल हो जाएगा इसके अंदर ठीक है क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह बढ़ रही है लोगों की परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो रही है जो चीजें हैं वो महंगी होती जा रही हैं सो वी हैव टू बी वन स्टेप हेड इन द गेम सो इसलिए हमें जो है वो फास्ट लर्निंग करके फास्ट चीजों को अप्लाई करना है ताकि हम बेहतर होते जाए अप्लाई करते जाए और हम एक बहुत बड़ी कंज्यूमर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर बहुत बड़ी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो है वो रियल एंटरप्रेन्योर्स की टीम बना सके ठीक है जी सो so, ये वो चीजें हैं जो आज के हवाले से मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी और डोंट यू फॉरगेट कि हम बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं ठीक है जी पहली लाइफ है किचन एंड बिल्स की लाइफ नाइनटी फाइव परसेंट लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इसके अंदर इससे हमने निकलना है खुद भी निकलना है और दूसरे लोगों को भी निकालना है इस सर्कल के अंदर से ताकि वो एसेट लाइफ के अंदर आ सके जहां पर दो परसेंट क्लास है और तीसरी जो इन्वेस्टमेंट लाइफ है वो वन परसेंट ठीक है जी सो बेसिकली ये जो जंग है ये हमने जीतनी है और वे जंग जीती जाएगी कमिटमेंट के साथ अल्लाह ताला की जात ने हमें प्लेटफॉर्म दे दिया है वी हैव द रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट वी हैव द रेवोल्यूशनरी सिस्टम वी हैव द रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्रीज सो बस हमें सीखना है बेहतर होना है मिलके करना है करते जाना है कंसिस्टेंट तरीके से अप्लाई करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है ठीक है जी सो वंस अगेन वी आर हेयर टू हेल्प यू वी आर हेयर टू इम्पावर यू वी आर हे टू क्वेश्चन है, so, है तो आप कर सकते हैं so, next time, ताला हम मजीद इन चीजों के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे ताकि जो है वो हमारे गिवन टास्क जो है वो कम्प्लीट हो सके और इन ताला हम उस लेवल पे हों के जहाँ पे हमारी फैमिली जो बेसिकली है वो उस लाइफ का इंतजार कर रही है कि हमारा बेटा या बेटी इन चीजों को करके आगे बढ़े सो so, नेम लिस्ट इनशा तला कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट से तीन दिन के अंदर बना लें आप ताकि हम फिर इसको आगे रिजल्ट की तरफ लेकर चलें। सो so, इसके हवाले से जो है वो आ, इसके हवाले से बेसिकली जो है वो हम लोग हाजिर हैं एवरी टाइम सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू मोर यू एट द टॉप हाफिज